नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। परिवहन विभाग में राजस्व को प्राइवेट वाहन बिना परमिट के सवारियों को ढोकर लगा रहे हैं चूना। डग्गा मार वाहनों का कोई भी परमिट नहीं जारी नहीं है और धड़ल्ले से कर रहे हैं मनमानी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम बस स्टेशन महमूदाबाद अवध जनपद सीतापुर में परिवहन निगम के नियम कानून की प्राइवेट वाहन स्वामी खुले आम उड़ा रहे हैं धज्जियां। पावर ऑफ जनाधिकार मीडिया की टीम जब बस स्टेशन का निरीक्षण किया तो बस स्टेशन पर जाकर कुछ जानकारी मिली और ज्ञात हुआ कि शासनादेश संख्या 21053001200008 में लिखा है कि सरकारी बस स्टॉप से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही प्राइवेट वाहन स्टॉप बनाया जा सकता है और महमूदाबाद में तो बस स्टॉप से लेकर 100 मीटर की दूरी पर ही प्राइवेट वाहन खड़े कर सकते हैं और सवारियों को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बैठाया जाता है और यहाँ तो प्राइवेट वाहनों का कोई स्टेप ही नहीं है। और सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार कुछ बसों का रंग रोडवेज बसों के रंग से मिलते जुलते होने के कारण कुछ सवारियां उसी में बैठ जाती हैं और प्राइवेट वाहन चालक रोडवेज का ही किराया ले लेते हैं। यह मामला सामने आ रहा है कि सरकारी बस स्टॉप से लेकर प्राइवेट वाहन स्टॉप की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होती है और यहाँ तो बस स्टॉप के करीब में ही खड़ी करके बैठाते हैं सवारी। और परिवहन निगम महमूदाबाद के इंचार्ज ने बताया कि महमूदाबाद से लेकर लखनऊ जाने के लिए 11 बसें, महमूदाबाद से सीतापुर जाने के लिए 8 बसें और महमूदाबाद से रेवसा तैमूर बहराइच 2 बसें आज जगहों के लिए बसें चल रही हैं। अहम बात यह है कि महमूदाबाद से बालाजी एवं अजमेर जयपुर जनपद राजस्थान दिल्ली आगरा भरतपुर पुष्कर गौशा आदि अनेक स्थानों को जाने के लिए भी बसें सुविधा यात्रियों को मिल रही हैं। यह जानकारी स्टेशन इंचार्ज निर्मल वर्मा के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित जहां जहां बसों की पहुंचने की जानकारी मिल रही है अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए जनपद से अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी अधिक से अधिक सुविधा देने में प्रसारित है। जिले के ARM के द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद रोडवेज स्टेशन से लंबी दूरी की गाड़ियों को चलवाने में काफ़ी परिश्रम किया जा गया है, इसलिए परिवहन निगम ने प्रशासनिक अधिकारियों को महमूदाबाद में बने बस स्टॉप को अब तो डिपो बना देना चाहिए। परिवहन विभाग के इंचार्ज दिलीप कुमार दीक्षित के साथ AK विश्वकर्मा की रिपोर्ट सीतापुर। लखनऊ के लिए कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? लखनऊ के लिए गाड़ियां 9, 2, 11 अभी बस आठ 18 लखनऊ के लिए, यानी प्रति आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आपकी निकल रही है। वो ऐसा है, कुछ गाड़ियां ऐसी इसमें चल रही हैं जी जो बाहर नाइट करती हैं, जैसे कलवापुर है जी, सदरपुर है जी, पोखरा कला है जी, तो वो अप डाउन करके उनका किलोमीटर पूरा हो जाता है वो जी, जी। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो 6 ट्रिप लगाती हैं जी उपनगरी की जी जी, जी। कुछ गाड़ियां 4 लगाती हैं, इस तरह से चल रहा है। चल रहा है मामला सिदौली से महमूदाबाद, सिदौली टू महमूदाबाद? नहीं, सिदौली महमूदाबाद हमारी रोडवेज की कोई गाड़ी नहीं, पहले चलाई गई थी उपनगरी डिपो ने चलाई थी जी, 5 गाड़ी 6 गाड़ी चल रही थी जी, मगर इनकम ना आने की वजह से जी वो गाड़ियाँ। सर रेवसा कितनी गाड़ियाँ आपको बहराइच की? रेवसा की हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। पंचुलिंग का है की? एक 8 से 9 तक जाती है जी, और दूसरी गाड़ी जो है वो दोपहर में लगभग जाती है। दोपहर में जाती है, 2 गाड़ियाँ जाती हैं? दो जाती, कभी एक भी रह जाती है। अब किसी गाड़ी में काम निकल आता है तो ऐसी मिस हो जाती है। बाराबंकी के लिए 9 गाड़ियाँ चल रही है, सीतापुर के लिए 8 गाड़ी, 2 बिस्वा सब बिस्वा हो गए। तो सिधौली के लिए भी तो गाड़ी डालिए, ये ARM सीतापुर डन नहीं, आप यहाँ से लिखित दें कि यहाँ पैसेंजरों को तो यहाँ से तो सबको मालूम है, ARM सर महोदय भी तो यहीं के हैं जी, वो तो आते जाते उनको सभी कुछ मालूम है जी। क्या नाम है ARM का? विमल राजा। चलिए ठीक, ओके।
इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।